बाबा का भौकाल देखकर हिल गई दुनिया। 150 देशों में अचानक होने लगा योगी योगी। रूस ने देखिए योगी के लिए क्या भेज दिया। 23 अप्रैल को दुनिया सिर्फ बाबा को सुनेगी। चीन और पाकिस्तान से भारत पहुंचा पवित्र कलश, ये खबर योगी के दुश्मन नहीं देखेंगे। इधर अतीक की पत्नी शाइस्ता को खोजने के लिए आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, उधर योगी का भौकाल देखकर अचानक पूरी दुनिया में योगी योगी होने लगा। योगी कोई भी फैसला लेते हैं उसकी गूंज पूरे देश में होती है, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने तो अपना डंका एक दो नहीं बल्कि दुनिया के कुल 150 देशों में बजा दिया है। योगी को हमेशा कट्टर हिंदू नेता कहा जाता है, अतीक की मौत के बाद तो पाकिस्तान सीएम योगी को मोदी से भी ज्यादा खतरनाक बता रहा है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने एक पवित्र कलश भारत भेजा है। दुनिया के 155 देश योगी का नाम लेकर भारत की तरफ इस वक्त देख रहे हैं। 23 तारीख को हिंदुओं को योगी आदित्यनाथ एक ऐसा गिफ्ट देने जा रहे हैं जिसका इंतजार कई दशकों से हो रहा था। आप 23 तारीख के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि ये वो तारीख है जब भारत का इतिहास फिर से लिखा जाएगा। जिस इलाहाबाद में अतीक अहमद की हत्या हुई है वहाँ से करीब 160 किलोमीटर दूर योगी आदित्यनाथ अयोध्या में जाकर पूरी दुनिया के हिंदुओं को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के देशों को ऐसा लगने लगा है कि योगी आदित्यनाथ ही भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसका पहला ट्रेलर दुनिया ने 2 महीने पहले फरवरी महीने में ही देख लिया था। जिस गोरखनाथ मठ के योगी महंत है, इस पीठ ने हमेशा राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है। योगी आदित्यनाथ भी राम मंदिर के लिए आंदोलन करते रहे। रामलला की मूर्ति का जलाभिषेक करने के लिए दुनिया के 155 देशों की पवित्र नदियों का जल भारत आया है। इन 155 देशों की नदियों के जल से योगी आदित्यनाथ रामलला का जलाभिषेक 23 अप्रैल को अयोध्या में करेंगे। दुनिया के जिन देशों से भारत पवित्र जल पहुंचा है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, स्विट्जरलैंड, इटली, यूक्रेन और पाकिस्तान जैसे देश शामिल है। यहाँ की पवित्र नदियों का पानी भारत आया है। जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन इन दोनों देशों ने भी भारत में रामलला के जलाभिषेक के लिए पवित्र जल भेजा है। योगी आदित्यनाथ हमेशा अखंड भारत बनाने की बात करते हैं। इस अखंड भारत में पाकिस्तान भी शामिल है। ऐसे में मुस्लिम देश पाकिस्तान से जल कैसे भारत आएगा सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन आखिरी में पाकिस्तान भी मदद के लिए आगे आ गया। सीधे भारत को जल नहीं भेजकर पाकिस्तान ने पहले पवित्र कलश में जल भरकर दुबई भेजा और फिर दुबई से पाकिस्तान की रावी नदी का जल भारत पहुंचा है। दुनिया भर से लाए गए पवित्र जल को एक तांबे के पात्र में नितिन गडकरी के घर में रखा गया है और उसे पीले रंग के राम राम लिखे कपड़े से पैक किया गया है। दुनिया भर के देशों से लाए गए जल कलश पर उन देशों के झंडे, उनके नाम और नदियों के नाम वाले स्टिकर लगे हुए हैं। 155 देशों से जल लाने का काम दिल्ली के पूर्व बीजेपी विधायक विजय जौली को सौंपा गया था। 155 देशों से जल लाने का काम 2020 से ही किया जा रहा है। 23 अप्रैल को होने वाले रामलला के जलाभिषेक के दौरान दुनिया भर के देशों के राजदूत, धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु भी शामिल होंगे। इस नजारे को देखकर दुनिया भर के हिंदुओं को भारत पर गर्व जरूर होगा। जनवरी 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन उससे पहले रामलला की झलक आप टीवी पर 23 अप्रैल को जरूर देख पाएंगे जब योगी आदित्यनाथ दुनिया के 155 देशों की पवित्र नदियों के जल से जलाभिषेक करेंगे। जो लोग चाहते थे कि राम मंदिर कभी ना बने वो लोग इस खबर को देखकर जरूर परेशान हो गए होंगे, लेकिन 23 अप्रैल को जब योगी आदित्यनाथ बोलेंगे तो पूरी दुनिया उन्हें सुनेगी और योगी का भौकाल देखेगी। योगी के लिए रिपोर्ट।